हम इसका डाटा देख लेते हैं, जो कि अर्निंग देख लेते हैं। अभी तक इसने एडसेंस से जो है टोटल अर्निंग कितनी की है, वो $2800 की है। चेक कर लेंगे इसकी अर्निंग, जो कि इसने अभी तक एडसेंस से कितना कमाया, $500, $550। आप आज मैं आपको तीन ऐसी माइक्रो निश बताने वाला हूँ जो कि भाई देखो इंटरनेशनल तो होने ही वाली है, और ये जो माइक्रो निश है 500 से $1000 ये अर्न कर रही है अभी इस टाइम। बहुत ही डिफरेंट नीश है, यूनिक नीश है, आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ पूरी रिसर्च करके। अच्छी नीश है, मतलब की कीवर्ड रिसर्च करने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, मतलब की इसके अंदर कीवर्ड भरे पड़े हैं। अगर आप नॉर्मल भी कोई कीवर्ड निकाल लोगे ना लो कंपटीशन, तो भाई आप उस पे रैंक कर जाओगी, क्योंकि ज्यादा लोग इस पे काम नहीं करते हैं। अब मेरी एक वीडियो पे कमेंट भी आया था कि भाई जो वाली वेबसाइट बताओ जो कि $500 से $1000 कमा रही हो, मतलब कि ये एक अच्छी बात है, मतलब कि कोई ऐसी नीश मैं आपको बता रहा हूँ जिससे भाई $500 से $1000 वो कमा रही है, भाई उससे आपको एक मोटिवेशन ही मिलेगा कि भाई हाँ इस नीश को टारगेट करेंगे हम तो $500, नहीं तो भाई $250 तो महीने का हम निकाल लेंगे, मतलब कि एक मोटिवेशन आता है। तो भाई मैं अब ऐसी वेबसाइट ला रहा हूँ जो कि भाई रिवेन्यू जनरेट कर रही हो, है ना, तो इससे आप एक अंदाजे ले सकते हो कि भाई हम इतना अर्निंग कर, ये अर्निंग इतनी कर रही है तो हम इतनी अर्निंग कर सकते। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन कंटेंट डालता रहता हूँ, जो भी भाई आप जिस चीज को आप बोलते, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपको प्रॉब्लम कुछ आ रही है ब्लॉगिंग में, तो भाई आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी माइक्रो नीश है पहली, वो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो, जो कि यहाँ पर मॉमी लैब्स करके है। अब आप एक अंदाजा लगाओ कि किस टाइप की नीश होगी, जो कि मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, पूरी रिसर्च करके लाया हूँ, जो कि मैं आपको इसकी अर्निंग दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम सिंपली सैमरस में डाल देंगे, और सैमरस के बाद यहाँ पर ओके सर्च करने के बाद यहाँ पर गूगल के अंदर भी डाल देंगे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की ये वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है पेरेंटिंग, है ना। पेरेंटिंग अगर नहीं जानते तो भाई इस वीडियो के अंदर जान जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिविटी किट्स, आर्ट किट, क्राफ्ट, यहाँ पर बेबी नेम्स, बेबी मिडल नेम्स, निक नेम्स, है ना, चिल्ड्रंस है, ड्राई केयर है ना, डे केयर है ना, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी, मतलब ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर कीवर्ड्स है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपली हम एक बार इसकी एज चेक कर लेंगे, और एज चेक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 1.5 साल पुरानी वेबसाइट कह सकते हो आप इसको, 1.5 साल पुरानी वेबसाइट है, ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है। और जो मैं आपको इसकी अर्निंग दिखाऊंगा वो भी आप शोक हो जाओगे, जो कि सिंपली हम इसका पहले ट्रैफिक चेक करते हैं। 1.5 लाख यहाँ पर अभी समथिंग जो है ना वो 167 के आ रहा है, मतलब कि 1.5 लाख के करीब इसका ट्रैफिक आ रहा है, और जो मेजोरिटी ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। भाई देखो यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक आ रहा है तो वही बहुत तगड़ी अर्निंग कर रहा होगा, स्पॉन्सरशिप से, और यहाँ पर एडसेंस से, और यहाँ पर एफिलिएट से भी, क्योंकि इस चीज में एफिलिएट भी चलता है और यहाँ पर एड्स भी चलते हैं। अभी किस टाइप कीवर्ड्स हैं ये चीज आप नोटिस करो, जो कि मैं आपको आर्टिकल खोल के भी दिखाया था। और यहाँ पर हम सैमरस की भी बात करेंगे अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप का आर्टिकल है, जो कि यहाँ पर इसका हेडिंग आप देख सकते हो, क्रिएटिव फैब्रिक इट इज सॉल्यूशन यू हैव बीन सर्चिंग फॉर। अब देखो अलग टाइप का ये, मतलब कि पेरेंटिंग के टाइप का ये कीवर्ड है ना। अब सिंपली हम इसके कीवर्ड चेक कर लेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाएगा। अब देखो कैसे एकदम बहुत ही ग्रोथ में इसका ट्रैफिक गया, मतलब कि इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक कंसिस्टेंसी से ग्रो ही हो रहा है, डाउन तो हुआ नहीं। और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर लो कॉम्पिटिशन नीश है, देखा जाए। अब यहाँ पर देखो कीवर्ड्स इसने अच्छे खासे टारगेट किए हुए, जब ये इतना अच्छा खासा ट्रैफिक ला रहा है। सिंपली आपको भी कंसिस्टेंसी से रुकना नहीं है, काम करते जाना है, भाई आपका भी इतना ट्रैफिक आएगा और आप भी इससे ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। अब सिंपली हम इसे एक बार कीवर्ड देख लेते हैं। सिंपली देखो कीवर्ड देख सकते हो आप कितने लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम की कीवर्ड टारगेट किए हैं, जो कि ब्लैक बॉय नेम्स है ना, फीमेल ड्रॉन्ग्स है ना, ड्रैगन नेम्स। अब अलग अलग टाइप के निक नेम फॉर रेहाना, अलग अलग टाइप की, जो कि यहाँ पर पेरेंटिंग मतलब कि बच्चों के चिल्ड्रंस के यहाँ पर बात की जा रही है, तर नेम्स के बारे में बात की जा रही है। ब्लैक बेबी बॉय नेम्स, ज्यादा नेम्स आ रहा है, चाइनीज गर्ल नेम्स है ना, तो भाई एक अलग ही नीश है देखा जाए तो। और सारे कीवर्ड जो है लो कॉम्पिटिशन है और अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम भी है ना। सारी जो ये बात कर रहा है, मतलब की नेम्स के बारे में बात कर रहा है, टॉप 100 अफ्रीकन है ना, अमेरिकन फीमेल्स नेम, मतलब कि अलग अलग टाइप के नेम पूछ रहे हैं, जो कि भाई वेस्टर्न, देखो वेस्टर्न बॉय नेम्स, ओरंगा है ना, ओरंगा ऑरेंज है ना, ओके यहाँ पर देखो नेम्स आ रहा है, मतलब कि बहुत ही लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स है, मतलब कि इस नीश को भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है कीवर्ड में, और यहाँ पर जाके यहाँ पर नेम्स लिख देना है। जितने भी आपके पास कीवर्ड होंगे ना, जितने भी बहुत सारे कीवर्ड आएंगे, देन यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड आ जाएंगे, सिंपली आपको टारगेट कर लेना। आप सिंपली एक बार यहाँ पर हम इसकी पोस्ट भी चेक कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम डाल देंगे इसको गूगल के अंदर। दूसरे नंबर, पहले नंबर पे तो यार ये बड़ी वेबसाइट, और यहाँ पर सेकंड पे पेरेंट्स, और यहाँ पर फर्स्टली, ओके ओके यहाँ पर देखो चौथे पांचवे नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है ना, जो कि मैं अभी इसको ओपन करके देख लेते हैं, जो कि ब्लैक नेम्स 150+ नेम्स है ना। देखो सारे जो है ये नाम देख सकते हो, ग्रेफिन हसन करके अलग अलग टाइप के नेम्स है जो कि वहाँ पे चलते हैं। देखो ये ब्लैक मैन होते हैं वहाँ के है ना, जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका इधर रहते हैं जो। अब देखो मैं आपको इसकी अर्निंग भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर ये अर्निंग कितनी कर रही है, ये चीज आप नोटिस करो। यहाँ पर ये चीज मेनली दिखाने की, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलेगा। अभी जो इनकम ये जनरेट कर रहा है, इनकम
कर रहा है भाई 500 $550 जो कि अभी हमने देखा इसमें एडसेंस नहीं लगा हुआ है, $550 ही कर रहा है, 450 पोस्ट इसके अंदर लिखी गई है अभी तक। और यहाँ पर हम इसका डाटा देख लेते हैं जो कि अर्निंग देख लेते हैं, अभी तक इसने एडसेंस से जो है टोटल अर्निंग कितनी की है वो $2800 की है। और यहाँ पर इसका अलग है भाई स्पॉन्सरशिप, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक, ये बहुत ही तगड़े लेवल पे इसके अर्निंग होती है। मतलब क्या आपके बताऊँ, मतलब एक बैकलिंक के $100 भी चार्ज करते हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी वेबसाइट पे पहले किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग होती है इस चीज से। तो एडसेंस और ये एफिलिएट तो अलग ही बात है इनकी, जो कि यहाँ पर देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है, 3000-4000 का ट्रैफिक आ रहा है, वो भी डेली का। यहाँ पे जाके थोड़ा सा डाउन डिप मारा नीचे, और यहाँ पर पेज व्यू देख सकते हो, यूजर देख सकते हो, यहाँ पर जो कौन कौन से इसके आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं ये चीज आप नोटिस करो, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सिंपली ब्लैक बॉय नेम्स, निक नेम्स फॉर ब्रदर, फीमेल डेमो नेम्स ब्लैक, यही चीज ज्यादातर सर्च हो रही है। मतलब कि ये 1.5 साल पुरानी वेबसाइट ट्रैफिक ला रही है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि आप ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी इस नीश के अंदर काम करने में और यहाँ पर ट्रैफिक लाने। सिंपली आप इसको टारगेट कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो, है ना। सारी मैंने आपको डिटेल दिखा दिया कितना डॉलर ये बना रही है। और इस वेबसाइट को कॉपी करने के बाद आप सैमरस में डालो, गूगल में डालो, उसकी रिसर्च करो और भी रिसर्च करो ज्यादा, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ देन इसको स्टार्ट करो इस माइक्रो नीश को, है ना। चलो अब बात करते हैं अपनी सेकंड माइक्रो नीश की, जो कि हमारी सेकंड माइक्रो नीश है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जो कि मैं आपको सीधा ओपन ही करके दिखा देता हूँ, जो कि हम इसको सैमरस के अंदर डाल देंगे पहले तो, और यहाँ पर सैमरस के अंदर डालने के बाद गूगल के अंदर भी डाल देंगे इसको। अभी किस टाइप की वेबसाइट है ये चीज चेक करते हैं। अभी बहुत ही डिफरेंट माइक्रो नीश है ना, अभी ये चीज नोटिस करना। अब पहले सिंपली इसकी एज चेक कर लेंगे हम, 2 साल पुरानी वेबसाइट है, 2-2.5 साल पुरानी वेबसाइट है ये। उसका जो ट्रैफिक आ रहा है ट्रैफिक चेक कर लेंगे, जो कि यहाँ पर 40-50 का मतलब ट्रैफिक आ रहा था इसका, जो डाउन हुआ है वो 8000 पे आ गया है। अब नीश किस टाइप की ये चीज नोटिस करो। अब देखो जिसपे ट्रैफिक डाउन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है ये नीश बेकार है। अब इसकी वेबसाइट के रीजन की वजह से भी ट्रैफिक डाउन हो सकता है, जैसे कि आप मान सकते हो अपडेट आते हैं गूगल के उससे भी डाउन हो सकता है, बहुत ही गलती भी करते हैं बहुत सी वेबसाइट जो कि इस टाइप से भी ट्रैफिक डाउन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं देखा जाए। अब एक किस टाइप की नीश है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कि वुडन की, इस टाइप की वुडन की, जो कि यहाँ पर फर्नीचर बनता है इस टाइप की नीश है, जो कि भाई आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि एक बार वेबसाइट देखनी पड़ेगी, जो कि हम सिंपली देख लेते हैं इसका यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई वेंटेज इधन, मतलब कि फर्नीचर के बारे में बात हो रही है, फर्नीचर मार्किंग्स है ना अलग अलग टाइप के। देखो सिंपली आपको क्या करना है, इधन एलन डालना है और यहाँ पर वेंटेज इधन डालना है, और यहाँ पर डाल दोगे ना आप इसके अंदर तो यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे, ये वर्ड डालो और यहाँ पर बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखो लो कंपटीशन कीवर्ड है, मतलब कि ज्यादा हार्ड नहीं है रैंक करना देखा जाए। जब ये वेबसाइट ट्रैफिक ला रही थी तो भाई अपनी वेबसाइट भी ट्रैफिक ला सकता। अब इसकी हम बात कर लेंगे, जो ये वेबसाइट जो सेल हो रही है देखो $2200 में सेल हो रही है, और यहाँ पर जो $67 ये अभी कमा रही है 100% डोमेन अथॉरिटी है, और यहाँ पर जो है 100+ आर्टिकल डाले हुए हैं, मतलब कि ज्यादा आर्टिकल नहीं डाले हुए देखा जाए। चेक कर लेंगे इसकी अर्निंग, जो कि इसने अभी तक एडसेंस से कितना कमाया, $500-550। आप दो साल के अंदर इसमें अलग अलग टाइप से गेस्ट पोस्ट या कुछ अदर आए होंगे तो उससे भी इसकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। मतलब ये इसने $1,500 इजिली बना लिए होंगे ना 2 साल के अंदर 2-2.5 साल के अंदर। अब जाके वेबसाइट 2200 में सेल हो रही है तो भाई इसका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है देखा जाए तो, है ना। अब इस टाइप की नीश होती है जो कि बहुत ही डिफरेंट नीश होती है, बस केवल आपको यार थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब देखो इसका ट्रैफिक जो है मतलब कि 180 ऐसे करके इसका ट्रैफिक आ रहा था, अब जाके इसका ट्रैफिक डाउन हो गया जब ये वेबसाइट सेल हो रही है। अब ये कुछ आर्टिकल्स है जो कि यहाँ पर फर्नीचर ब्रांड करके यहाँ पर ये रैंक हो रहे थे, आर्टिकल आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस टाइप से रैंक हो रहे थे इसके जो आर्टिकल। अब इन आर्टिकल को कॉपी करके मतलब कि इनके जो टाइटल को कॉपी करके आप लिख सकते हो आर्टिकल सिंपली, है ना, मतलब कि इन्हीं पेजों पे। अब देखो आपको बहुत जल्दी ट्रैफिक आ जाएगा इससे, ये बढ़िया होता है इससे। अगर आपको ये नीश पसंद आए तो चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। अब बात करते हैं अपनी तीसरी माइक्रो नीश की, जो कि भाई यहाँ पर $1000 मिनिमम ये अर्न कर रही है। देखो ये वेबसाइट किस टाइप की है, जींस स्टाइल। अब जींस स्टाइल की वेबसाइट है, आप एक बार चेक कर लेते हैं भाई किस टाइप का इस पे कंटेंट पब्लिश हो रहा है, यहाँ पर किस टाइप की वेबसाइट है। इसको यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर गूगल के अंदर भी डाल देंगे इसको, जो कि सिंपली हम इसके कीवर्ड्स अभी चेक करेंगे। पहले अभी इसकी वेबसाइट देख लेते हैं किस टाइप की आर्टिकल डाल रही है। अब देखो आइडिया फॉर शाइनिंग टेवेन करके, मतलब कि अलग अलग टाइप है, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट आउटफिट होते हैं, कॉफी डेट आउटफिट होते हैं आइडियाज, है ना, वो यहाँ पर मतलब कि एक लाइफ स्टाइल वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो आउटफिट आइडिया, मतलब कि आउटफिट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। अब देखो ये जो एडसेंस तो इसने लगा नहीं रखा है, इसने लगा रखा है रेपिटेटिव। अब देखो रेपिटेटिव
एक एड्स नेटवर्क होता है जो कि भाई बाहर देश में ज्यादातर यूज करते हैं, ये चीज मैंने नोटिस किया है। अब यहाँ पर एडसेंस मतलब एक अल्टरनेटिव होता है एडसेंस का, मान सकते हो आप। अब ये आउटफिट के बारे में बात कर रही है, अब यहाँ पर आप देख ही सकते जो कि यहाँ पर अगर मैं रिचर रेड स्पेसिफिक क्लिक करूँ तो शायद ये एफलेट नहीं, ओके एफलेट तो नहीं है यहाँ पे, ये सीधा इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो रहा है सिंपली। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, इसकी पहले एज भी चेक कर लेंगे और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। इस तो देखो 2.5 साल पुरानी वेबसाइट और 60,000 45,000 का इसका ट्रैफिक आ रहा है सिंपली इसका। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है इसने, विंटर सब चीज की है ना। और यहाँ पर डेली लाइफ स्टाइल अलग अलग टाइप के आर्टिकल है जो कि यहाँ पर इसने बैनर लगा रखा है। नहीं हाँ ये एड्स आ रहा है साइड में देख सकते हो, मतलब कि अभी मैं इसको एक बार इसको आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ किस टाइप की कीवर्ड है। व्हाट टू वेयर टू जज क्लब करके, जज क्लब। अब थीम पार्टी कौन सी, मतलब कि कौन से कपड़े पहने थीम पार्टी के अंदर, है ना। और यहाँ पर आप देखते हो नियॉन ग्लो पार्टी, आउटफिट आइडियाज फॉर मैन, मतलब इस टाइप की कीवर्ड्स यहाँ पर ट्रावे हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पर देखो ज्यादा कीवर्ड नहीं दिखा रहे, अगर आप रिसर्च करोगे तो यहाँ पर कीवर्ड नहीं दिखा रहे ज्यादा, 47 दिखा रहे हैं। तो भाई ये तो काम चलने का नहीं इससे। सिंपली आपको क्या करना है, वेबसाइट के अंदर आना है, वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पर ब्रिडल सोवर्ड आउटफिट डाल देना है यहाँ पर इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाया था। ओपन करने के बाद ये कीवर्ड ये देखा जाए तो, जो कि हम इसको कॉपी कर लेंगे, पहले कॉपी कर लिया अब यहाँ पर डाल देंगे, एक बार चेक कर लेंगे इस पर भाई आर्टिकल मतलब कितने टोटल कीवर्ड्स हैं जो जिस पर हम भाई आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे कि कंटेंट आइडिया हमें मिल जाए। मैंने ब्रिडल शोवर डाला, डिफिकल्टी 71 दिखा रहा है, सीबीसी भी अच्छा दिखा रहा है। अब जो ग्लोबल है जो ट्रैफिक वो आप यहाँ पर देख सकते हो 167, मतलब यहाँ पर जो दिखा रहा है टोटल कीवर्ड्स 85,000। और यहाँ पर जो वॉल्यूम दिखा रहा है मतलब कि 1.4 मिलियन का ट्रैफिक दिखा रहा है यहाँ पर। सिंपली आपको क्या करना है, देखो ड्रेस गिफ्ट आपको आउटफिट यहाँ पर डाल देना, आउटफिट डाल दोगे तो यहाँ पर और भी कीवर्ड आ जाएंगे, मतलब कि अलग अलग टाइप के यहाँ से आप कीवर्ड निकाल सकते हो अलग अलग इसकी पोस्ट खोल के, क्योंकि यहाँ पर हमें देखे थे हमने यहाँ पर 47 कीवर्ड्स आ रहे थे। तो इस टाइप से भाई आप आर्टिकल निकाल सकते हो, मतलब कि कीवर्ड्स निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा और लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मतलब कि भाई और कीवर्ड कहाँ से लाए क्या रिसर्च करें ऐसे करके, है ना। तो भाई अगर आपको ये पसंद आई होगी माइक्रोनिश तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।